दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत पिशाच पर विश्वास करते हैं या फिर ये सभी बातें आपको अंधविश्वास लगती हैं? खैर, आप करें या ना करें, लेकिन आज भी ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में कई लाखों लोग हैं जिन्हें प्रेत आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो भूतिया जगह पर जाने से कतराते हैं, खासकर तब जब उन्हें अकेले जाने के लिए कहा जाता है। ऐसे में आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको भारत की ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मुंबई के ताज होटल पैलेस के बारे में, जिसके भूतिया रहस्य के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ताज होटल के भूतिया रहस्य के साथ साथ इसके हैरान कर देने वाले इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई में स्थित ताज होटल को कौन नहीं जानता, मगर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत का सबसे जाना माना होटल भी कई भूतिया गतिविधियों का शिकार हुआ है। इसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। एक सच्चे देशभक्त के दिल पर लगी चोट, जिसे एक होटल में एंट्री नहीं मिलती है, जिस वजह से उन्होंने ताज जैसे होटल की नींव रख दी। जी हाँ दोस्तों, उस सच्चे देशभक्त का नाम है जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा के दिल पर लगी ठेस ने मुंबई को एक ऐसी इमारत दे दी जिसकी पहचान पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। सिनेमा जगत के जनक कहे जाने वाले लुमायर ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म के शो मुंबई के आलिशान होटल होटल वाटसन में किया था, और इस शो को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही बुलाया गया था। और उस होटल के बाहर लिखा होता था, भारतीय और कुत्ते इस होटल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बाद 7 जुलाई 1896 को लुमायर ब्रदर्स की फिल्म देखने जमशेद जी टाटा वाटसन होटल गए, लेकिन इन इंडियन होने की वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, और तभी उनके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच गई। यह बात उन्हें इतनी बुरी लग गई जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने होटल ताज की नींव रख दी, और उन्होंने कहा कि ये होटल पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी होटल होनी चाहिए। और ठीक 2 साल बाद वाटसन होटल की इमारतों को धूल में मिलाते हुए एक शानदार ताज होटल का निर्माण कराया गया, और साल 1903 में ये होटल बनकर तैयार हो गया। और बदले स्वरूप जमशेद जी भाई टाटा ने उस होटल के सामने लिखवाया कि ब्रिटिश और बिल्लियां दोनों अंदर नहीं जा सकते। इसके बाद शुरू होती है इस होटल के भूतिया होने की कहानी। दरअसल इस होटल को बनाने का काम एक अंग्रेजी इंजीनियर WH चैम्बर्स को दिया गया, और उन्हीं के देखरेख में इस होटल का निर्माण शुरू हुआ। इस इमारत के डिजाइन और ब्लूप्रिंट को फाइनल करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए थे। जब वो इंग्लैंड से वापस भारत आए, उन्होंने ताज को बिल्कुल उल्टी दिशा में बना हुआ देखा, जिसके बाद वो इस सह नहीं पाए और उसी होटल की 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और आज भी कई लोगों ने इस जगह पर किसी की परछाई और किसी के काले साए को मंडराते हुए देखा है। माना जाता है कि इस होटल में आज भी चैम्बर्स की आत्मा भटकती है। दोस्तों, होटल ताज पैलेस की कहानी बेहद डरावनी है। हमारे भारत सहित पूरे दुनिया भर के रहस्यों से भरी जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।